तो गाइस मैंने फाइनली जो है अपना जनरेटर जो है धो लिया। यहाँ पे इसको साफ़ ज़्यादा मेहनत लगा गाइस धोने में। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ पीछे कैमरे से कि कितना अच्छे हैं। ये जो जनरेटर है न्यू जैसा लग रहा है, ठीक है। आएगी तो अगर इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है गाइस, इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राजा साहू और मेरे चैनल डीजे राजा KWD में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज मैं अपने जनरेटर, आप वो देख सकते हो वो मेरा जनरेटर, उसको मैं अभी पानी से धोने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मैं दिखाता हूँ। मेरा जनरेटर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए मैं इसे अभी वॉश करने वाला हूँ, पूरा पानी से पूरा तरीके से इसे धोने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि मैं पहले अपना जनरेटर जो है दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले आता हूँ, ठीक है। तो फिर ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, बहुत सारे इसमें धूल वगैरह और जो आयल वगैरह हैं इधर से आप देख सकते हैं, आयल तेल वगैरह जो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसको मैं अभी धोने वाला हूँ, वो भी पानी से धोएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर धोते हैं, वीडियो में आप इस वीडियो को देखते रहना। तो मैं अभी अंदर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने इसको ढक रखा है पन्नी, ताकि आर्मेचर में पानी ना जाए, क्योंकि वो आर्मेचर में अगर पानी जाएगा तो फिर जनरेटर जो है ख़राब हो सकता है। तो हम लोग इसके इंजन को धोएंगे पानी से। तो चलिए फिर इसको धोते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना गाइस, इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो गाइस अभी अब हम लोग इसमें निर्मा डालेंगे, ये हम लोगों का इसमें निर्मा कोई भी पाउडर, ठीक है। तो चलिए फिर इसमें हम लोग पाउडर डाल लेते हैं। ये हमारे पास है पाउडर, ठीक है। इस पाउडर को हम लोग इसमें मिला देते हैं इस तरह से। मिलाने के बाद आपको एक ब्रश लेना है, ब्रश में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इसमें जो है मिक्स आपको कर लेना है, अगर कम पड़े तो। और ये पाउडर हमने डाल दिया, ठीक है। तो इससे इसको अब क्या करना है हमें, तो इस तरह से हमें इसको इस तरह से साफ करना है। तो गाइस मैंने फाइनली जो है अपना जनरेटर जो है धो लिया, यहाँ पे इसको साफ़ कर लिया। तो चलिए फिर मैं आपको पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ कि जनरेटर बहुत ज़्यादा मेहनत लगा गाइस धोने में। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ पीछे कैमरे से कि कितना अच्छा न्यू जनरेटर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप भी ऐसा धो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कोई दिक्कत होने वाली है तो गाइस मेरे को तो नहीं मालूम कि कोई दिक्कत होने वाली है या नहीं, अगर होने वाली है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है गाइस। तो चलिए फिर मैं अपने जनरेटर को पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ कि किस तरह से साफ़ हुआ है और कैसे साफ़ किया। पूरा आपने वीडियो और देखा है गाइस, तो आपको पता होगा कि किस तरह से साफ़ किया, कितना मेहनत लगा था, ठीक है। चलिए फिर मैं दिखाता हूँ आपको पीछे कैमरे से। देख सकते हैं ये जो जनरेटर है न्यू जैसा लग रहा है, ठीक है। पहले की कंडीशन और अभी की कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए
ये कैसा लग रहा है आप लोग बताना, ठीक है? तो एकदम न्यू जैसा लग रहा है ना, तो भाई आप लोग भी अपना जनरेटर इस तरह से धो सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी तो, अगर इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है गाइस, इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, और वो जो आर्मेचर है उसके अंदर भी, उसको भी भिगाना नहीं है आपको। बाकी आप ये इंजन को आप तरीके से धो सकते हैं। याद रखना कि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, अगर इसके अंदर पानी जाएगा तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन गाइस अगर इसके अंदर बाई चांस पानी भी चला जाता है, तो इधर देखिए जगह है, ठीक है, तो पानी अगर इधर से अंदर आ जाता है तो इधर रुक जाएगा, पानी सीधे इंजन में नहीं जाएगा, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है आपको धोते समय कि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर जरूर करना हमारे चैनल को। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।